हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डीए से रिलेटेड जो अपडेट आया उसके बारे में बात करेंगे। गवर्नमेंट ने जो है अभी जो कैबिनेट में जो अभी डिसीज़न हुआ था उसमें जो डीए से रिलेटेड अपडेट ये है कि जो जनवरी 2020 से जो डीए की इंक्रीज़ करना था उसकी घोषणा कर दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जो हर मंथ एआईसी पिन का जो इंक्रीज़ होता है उसके बेस पे ही जो है डीए का अनाउंसमेंट होता है। और फाइनली जो है अप टू दिसंबर सारे के सारे जो है एआईसी पिन के अपडेट्स आ गए थे, तो उसी के बेसिस पे जो है अब सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो है अब डीए को इंक्रीज़ कर दिया गया है। और जल्दी जो है डीए के जो अलग अलग ऑप्शंस है उसके बारे में जो है एक अपडेट आ चुका है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डीए में कितना इंक्रीज़ हुआ है और कब से लागू किया जाएगा, इन सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो दोस्तों, बात करते हैं आज की जो है डीए में जो इंक्रीज़ है उसके बारे में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अभी कैबिनेट का अप्रूवल आ गया है और उसके जो मेन पॉइंट्स ये हैं कि डीए जो है, जो इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि 4% बढ़ेगा कि 5%, तो डीए जो है सीधे सीधे जो है 4% इंक्रीज़ किया गया है। और अब जो है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जनवरी 2020 से 4% इंक्रीज़ जो है डीए मिलेगा, जिसमें कि अभी जो 17% मिल रहा था वो बढ़ के सीधे 21% हो जाएगा और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसका एरियर जो कि जनवरी और फरवरी का एरियर जो है जल्दी जो है आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का इम्पॉर्टेंट अपडेट सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, वो भी डीए से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।